सरकार के द्वारा स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की कवायद की जा रही हैं। जागरूकता अभियान से लेकर तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही हैं, लेकिन स्वच्छता की शहर में क्या स्थिति है इसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। ये सड़क है, बिना जाने वाली मार्ग है, सदर प्रखंड का ये इलाका है और ये नगर परिषद का इलाका है। सामने आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसी के पास यहाँ पर ये कचरा डंप किया जाता है, जिसके चलते यहाँ से भारी दुर्गंध आती रहती है। क्योंकि ये पथ जो है, ये पथ रिहायशी इलाका को जोड़ता है और वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग इस पथ से गुजरते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गुजरना लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का जो है वो सामना करना पड़ता है। इतनी दुर्गंध आती है कि जिसको बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा जो है कचरा फेंका जाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग है और यहाँ पर छात्र छात्राएँ रहते हैं और शाम के वक्त वो लोग घूमने फिरने भी निकलते हैं और यहाँ से रेलवे पटरी क्रॉस करती है। ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर हर वक्त लोगों का जमावड़ा रहता है, लेकिन कचरा चूँकि यहाँ पर डंप किया जाता है, लिहाजा यहाँ से जो दुर्गंध फैलती है आसपास के इलाकों में वो काफ़ी बदबूदार रहती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि ये नगर परिषद का इलाका है और रिहायशी इलाके में इस तरह के कचरा के डंपिंग से लोगों का परेशानी बढ़ने लगा है। हालांकि लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कहीं कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, लिहाजा लोग मौन रहना ही अपनी बेहतरी समझते हैं। और सबसे दिक्कत यह है कि चूंकि इस इलाके में कचरा डंपिंग किए जाने से लोगों की आवाजाही पर इसका असर पड़ने लगा है और इसको लेकर प्रशासन को पहल करनी चाहिए, ताकि चूंकि ये रिहायशी इलाका का सड़क है, ऐसे में यहाँ पर इतनी सारी बदबू फैली हुई है कि लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।